जी तो ये अभी नींद से उठ कर आया मेरा बेटा, और इसे मुझसे ज़्यादा शौक है शायद सालन बनाने का। भी आ गए खुद? अच्छा अच्छा बनाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे। जी तो आज मैं खुद ही बना रहा हूँ रेसिपी आलू और चिकन की, तो मैंने कहा कि इसकी आज वीडियो बनाते हैं और अपने तरीके से जैसे बनाते हैं तो वैसे मैंने कहा कि वीडियो बना लें। आज की रेसिपी है चिकन आलू मिक्स। अब ये प्याज ब्राउन हो गए तो बाकी मसाला जात इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। जी तो ये अभी ब्राउन हो गए हैं बिल्कुल, इसमें अब पहले हम चिकन डालेंगे फिर बाद में डालेंगे लहसुन अदरक, क्योंकि ये कुछ जज्ब हो जाए फिर लहसुन अदरक इसका टेस्ट चेंज करेगा, जो इसकी इसका जायका फिर चेंज कर देगा। जी तो ये अभी नींद से उठ कर आया मेरा बेटा, और इसे मुझसे ज़्यादा शौक है शायद सालन बनाने का। आप ये देखें सेटिंग कर रहा है और ये सालन बनाएगा। क्या बना रहे हो? बोटी। हैं? इधर इधर बताओ, बोटी बना रहे हो? हाँ। क्या? अच्छा बोटी बना रहे हो, बनाओ बनाओ। अच्छा पकाना आ जाती है तुम्हें? हाँ? पकाना आ जाती है? कैसे बनाते हो, मज़ेदार होती है? चलो चलो बनाओ। ये ठंड का मौसम है ना, इस वजह से हमने चूल्हा रखा हुआ है कमरे में, तो यहीं पर बनाते हैं खाना शाम को, क्योंकि चलाते हैं शाम को ये चूल्हे पर आग लग जलाते हैं कि ठंड की वजह से ठंड कम हो जाए। अब ये लहसुन अदरक इसमें डाल रहे हैं, ये अब जज्ब हो गया बिल्कुल, लहसुन अदरक इसमें होगा तो इसका जायका बदलेगा इंशाल्लाह। जी तो अब ये टमाटर और हल्दी डाल दिए, अब ये भी इनमें मिक्स करेंगे, काफ़ी देर पकाएंगे, जैसे ये पक जाएंगे एक दो भुनी चिकन को भी आ जाएगी, बाद में वो डालेंगे आलू और फिर इनको दो तीन भुनी देकर हमारा सालन इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा लाजवाब। जी तो अब इसमें लाल मिर्च और आलू ऐड कर दिए, अब गैस भी बहुत कम है तो काफ़ी देर ये पकेंगे, कम से कम 20 से 25 मिनट, तो इंशाल्लाह फिर हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एंड में हम डालेंगे गरम मसाला ऐसे मूसा, और ये ऊपर धनिया भी डालेंगे। तुम बना रहे हो? आ गए खुद? अच्छा अच्छा बनाओ। ये तो अभी हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया, अभी इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया था तो अब इसमें सब्ज़ धनिया डाल रहे हैं ऊपर खुशबुओं के लिए, तो ये सब धनिया है। आज हमारा सालन तैयार हो गया दोपहर का, ये हम बाप बेटा दोनों मिलकर पकाया है हमने। ऐसे मूसा क्या बनाया है? और आलू और बोटी। बोटी सब धनिया ज़्यादा जरी डाल रहे हैं क्योंकि खुशबू मज़ेदार है, तो और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही कैसा, बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनी है।